मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय जीतू पटवारी का जबलपुर आगमन हुआ। उनका विमान इंदौर से जबलपुर वायु मार्ग से डुमना विमानतल पर उतरा। इसके बाद पटवारी पनागर, सिहोरा, कटनी बाईपास से होते हुए सतना कार्यक्रम में शामिल होने रवाना हो गए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे मीडिया जगत का खूब स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ और साधुवाद करता हूँ। दो तीन दिन पहले जबलपुर में हमारी सरकार ने कैबिनेट की, मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट की, विभागों के बंटवारे के बाद पहली कैबिनेट थी। उसी दिन अखबार में एक और खबर आई, मीडिया जगत ने एक और खबर प्रसारित की कि मध्य प्रदेश की सरकार जनवरी से लेके मार्च तक 28,500 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। 28,500 करोड़ रुपया यानी लगभग 350 करोड़ रुपया कर्ज लेगी। आरबीआई के परिपत्र के माध्यम से देश को यह पता चला, पहले से हमारी सरकार कर्ज में है। सवाल यह है कि जब कैबिनेट हो रही थी तब हमें आशा थी कि हमारी सरकार ने जो बहनों को 3,000 रुपया देने की बातें कही, जो हमारी सरकार ने कहा कि कुछ हो जाए 3100 रुपये में धान खरीदा जाएगा, हमारी सरकार ने कहा, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि 2700 रुपये में गेहूं खरीदा जाएगा, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। और एक हमारे मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय विधानसभा के सत्र में वचन, उनकी जो घोषणा पत्र की कापी लहराई और कहा ये हमारे लिए गीता और रामायण है, तो गीता और रामायण के एक अक्षर का भी पालन क्यों नहीं किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस कैबिनेट में? क्यों इस सरकार ने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जिससे कि उस गीता और रामायण जैसे हमारे घोषणा पत्र जिसको बता के चुनाव लड़के हमारी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार बनी है? भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने भरोसा किया, क्या लॉजिक है इसका? मैं फिर से जबलपुर की इस पावन माटी से दुनिया और देश को संस्कार जिसने जबलपुर की इस माटी ने दिए, इतिहास में कई जगह स्वर्ण अक्षरों से जबलपुर और इस ढाणी का नाम आता है, मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ के रहवासियों को, महाकौशल के रहवासियों को। मैं आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया ज़्यादा तादाद में, लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, अगर वो जीते जनता ने उन पर भरोसा किया तो कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की उस भावना को सर माथे पे लिया। मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 1 महीना 2 दिन 32 दिन हो गए, रामायण और महाभारत, रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में से एक भी शब्द एक भी अक्षर का आपने पालन नहीं किया है। अनुरोध है आपसे, किसानों के साथ धोखा मत करो। जो धान की खरीदी चल रही है महाकौशल में भी हो रही, पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है, 3100 रुपए किसानों का दाम दो, अन्यथा हमने कहा है जनवरी आपकी है, जनवरी के बाद कांग्रेस को विपक्ष की जिम्मेवारी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी। मैं फिर से सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का साधुवाद करता हूं जिन्होंने जान लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। एक व्यक्ति रिजल्ट और चुनाव के बीच में ये नहीं कहता था बीजेपी जीतेगी, उसके बाद भी बीजेपी अगर जीती है, न मीडिया कहती थी, न सर्वे कहते थे, न कोई पॉलिटिकल डॉक्टर कहता था, सब कहते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, पर फिर भी जो रिजल्ट आया सर माथे पे है। अनुरोध है सरकार से, आप 450 रुपये गैस सिलेंडर, एक वाक्य होता है, मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा, कलम चलाने से काम चलेगा। मुख्यमंत्री जी कलम चलाओ, निर्देश दो, आदेश दो, अन्यथा मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। और फिर से मैंने जैसा कहा, कांग्रेस का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक परिवार का वो साथी। पहली बार मैं मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप में से एक पार्टी का अध्यक्ष बनाएं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में से एक पार्टी का अध्यक्ष बनाएं, आप जैसा है वो, आपकी सोच को समझता है,
आपकी सोच को समझता भी और उसका सम्मान भी करता है। ये नेतृत्व अब कार्यकर्ताओं का है, हम मैं नहीं, हम के भाव से हमें पार्टी का, विचारधारा का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना और विचारधारा के साथ करना। मैं फिर से सारी मीडिया जगत को साधुवाद देता हूँ। जबलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पर तंज कसा है। जीतू पटवारी ने कहा कि मुंह नहीं कलम चलाने से सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री कलम चलाएं और आदेश निर्देश जारी करें। इसके साथ ही कहा कि कार्यकर्ता जान लें कि उनके बीच से ही प्रदेश अध्यक्ष बना है। मैं नहीं हम की विचारधारा से भाजपा से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की आयोजित होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र भी किया। जीतू पटवारी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी, 23 विधानसभाओं और 5 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। राहुल गांधी लाखों की जनता और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि जबलपुर अल्प प्रवास आगमन पर डुमना विमानतल पहुंचकर स्वागत किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस जनों, कांग्रेस पार्षद, पार्षद प्रत्याशी, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई, बाल कांग्रेस विभाग व प्रकोष्ठ पदाधिकारियों से एवं समस्त कांग्रेस जनों ने स्वागत किया। जीतू ने जबलपुर में मीडिया बंधुओं के साथ चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपने वचन पत्र में जो जो वादे किए उसमें में किसी पर भी जबलपुर में हुई कैबिनेट बैठक में अमल नहीं हुआ है। हमारा अनुरोध है कि प्रदेश की बहनों और किसानों के साथ कुठाराघात नहीं करें, अन्यथा कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है। विधानसभा चुनाव और प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद पटवारी का यह पहला सतना दौरा है। उनके सतना आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। विधायक सतना सिद्धार्थ कुशवाहा के दिवंगत पिता पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा के जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे।